मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मिले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। गुड मॉर्निंग, और अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं आज आलू के पराठे। बहुत दिनों के बाद आलू के पराठे बना रही हूँ क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा स्टफ़ पराठा वगैरह नहीं अच्छा लगता है, बट बच्चों को मन था तो इसलिए मैं बना रही हूँ आलू के पराठे सुबह के ब्रेकफास्ट में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मोनी दीपा। गुड मॉर्निंग, और अभी 10:30 का टाइम हो रहा है और अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया है, मैंने, रिया ने और रोहित ने। और आज है फ्राइडे, तो अभी 10:30 का टाइम हो रहा है और मैं आई हुई हूँ लंच बनाने के लिए किचन में और बना रही हूँ अपना लंच क्योंकि गर्मी का दिन है। और थोड़ा सा लेट हो जाने पे, जैसे 12:30-1 बज जाता है तो किचन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इस वजह से मैं सुबह में ही अपना लंच बना के रख लेती हूँ क्योंकि गर्मी की वजह से खाना ठंडा भी नहीं होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो कि थोड़ा सा धूप हो जाने के बाद मैं खिड़की नहीं खोल सकती क्योंकि आम का पेड़ है मेरे पीछे, 2 बड़े बड़े आम के पेड़ हैं, तो जो छोटा छोटा सा कीड़ा होता है वो हो गया है बहुत सारा पेड़ में आम की वजह से, क्योंकि आम इस बार बहुत अच्छे आए हैं पेड़ में, तो वो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो पिट 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 करते हैं और सारा खिड़की के अंदर आ जाते हैं और पूरा दीवार पर बैठ जाते हैं।
इस वजह से मैं सुबह में ही जो है लंच वगैरह बना लेती हूँ। और अभी जैसे 10:30 का टाइम हो गया तो बाहर बहुत तेज़ धूप है, तो मैंने खिड़की बंद कर दी है, क्योंकि खिड़की खोल के मैं लंच नहीं बना सकती, सारे जो कीड़े हैं वो अंदर आ जाते हैं। सुबह के टाइम जब मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी उस समय खिड़की खोलती हूँ, जैसे कि 8:30-9 बजे तक खिड़की खुली रह सकती है, उसके बाद फिर मैं खिड़की बंद कर देती हूँ क्योंकि वही कीड़े आ जाते हैं अंदर। तो इस तरह से चल रहा है और मैं अभी बना रही हूँ लंच, और आप देख सकते हैं पूरे मुंह में पसीना आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है किचन। मैं आते जाते लंच बना रही हूँ, कभी जा रही हूँ अंदर रूम में, क्योंकि अंदर रूम में मेरा एसी है तो अंदर रूम में जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर आके फिर कुछ ना कुछ करके जा रही हूँ। तो अभी चावल चढ़ा हुआ है मेरा और अभी मैं जा रही हूँ बनाने सब्जी, तो पहले लंच बना लूँ। और एक तरफ लंच बन रहा है और दूसरी तरफ मैंने वॉशिंग मशीन भी चला दी है कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि साथ साथ काम करने से अच्छा रहता है, जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। तो मैं इसी तरह से एक साथ 2 या 3 काम कर लेती हूँ, जैसे कपड़े धोना, सब्ज़ी वगैरह बनाना, क्योंकि सब्ज़ी बनाते टाइम हर टाइम खड़ा रहने की ज़रूरत नहीं है किचन में। और अभी कर रही हूँ मैं अपना लंच, और मैंने बनाया है आलू अंडा कढ़ी, भिंडी भुजिया, और साथ में काटा है मैंगो और खीरा। तो अभी हो रहा है हमारा लंच और हम लोग ज़मीन पे लंच कर रहे हैं क्योंकि डाइनिंग टेबल जहाँ पे है वहाँ पे एसी नहीं है और बहुत गर्मी हो रही है, तो हम लोग अंदर वाले रूम में बैठे हुए हैं जिस रूम में एसी है, और उसी में हम लोग तीनों लंच कर रहे हैं, मैं और रिया रोहित। और अब हमारा लंच ख़त्म होने वाला है, और लंच करने के बाद मैं जा रही हूँ अभी सब्ज़ी चढ़ाऊँगी क्योंकि रात के लिए, क्योंकि आज मेरी किटी पार्टी है, तो सब्ज़ी बना के रख लूँगी अभी लंच करने के बाद ही। और मेरा लंच हो गया है और अब मैं बना रही हूँ रात के लिए सब्ज़ी। तो मैंने कटहल बॉयल्ड किया है, यानी कि जैक फ्रूट, और उसको इस तरह से स्मैश कर लिया है, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी बेसन क्योंकि मैं बना रही हूँ कटहल के कोफ्ते। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से कटहल के कोफ्ते बनाती हूँ। तो इस तरह से मैं इसमें ऐड किया है बेसन, और मैं डाल रही हूँ प्याज बारीक कटा हुआ, बहुत कोई कोफ्ते में प्याज नहीं डालते हैं बट मैं डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और डाल रही हूँ हरी मिर्च थोड़ी सी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी स्वाद अनुसार नमक, और बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करना है, तो आप हाथ से मिक्स कीजिए तो ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाता है, मैं तो इसी तरह से हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो इस तरह से अच्छे से सारे मसालों को मिक्स करने के बाद हम बनाएंगे कोफ्ते।
मैं यहाँ पे गोल गोल शेप दे रही हूँ, आप चाहे तो लंबे आकार के कोफ्ते भी बना सकते हैं, बट मैं गोल गोल शेप बना रही हूँ कोफ्तों को। और इस तरह से कोफ्ते गोल गोल बना के और इसे अब हम करेंगे फ्राई। तो मैंने ऑयल गर्म होने के लिए दे दिया था पहले ही, और अब मैं इसको फटाफट तल लूँगी। और मीडियम आंच पे तलना है ताकि ऊपर से जले नहीं और अंदर से कच्चा ना रहे, तो हमें लो मीडियम आंच पे करना है ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं वो अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाएं। तो इस तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ। और एक साथ बहुत ज़्यादा कोफ्ते नहीं तलने चाहिए, नहीं तो टूट जाते हैं। थोड़े से कम कोफ्ते, 3 या 4 या 5 मैक्सिमम तलने से ठीक रहता है, ताकि वो कोफ्ते टूटते नहीं हैं और अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे जो कोफ्ते हैं वो सुनहरे रंग के हो गए हैं और तल चुके हैं, तब मैं इनको निकाल दे रही हूँ। और इसी तरह से मैं बाकी के कोफ्तों को भी तल लूँगी। मेरे कोफ्ते जो हैं अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं ग्रेवी के लिए ऑयल गर्म होने दिया है, जिसमें डाला है तेज़पत्ता और थोड़ा सा पंचफोरन। और जब पंचफोरन चटक जाए तब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्ची। और अब इसे अच्छे से भूनना है। और प्याज जो है वो भुन चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और इसे भी अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। और जब इसका कच्चापन अच्छे से निकल जाए तब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा टमाटर बारीक कटा हुआ 1 मीडियम साइज़ का। तो अब टमाटर डाल के भी इसे अच्छे से भून लेंगे। और टमाटर जल्दी गले इसके लिए अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। और नमक डाल के भूनेंगे तो टमाटर जल्दी गल जाते हैं। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, काश्मीरी मिर्च पाउडर। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और अब इन मसालों को अच्छे से भूनने के लिए अब डाल रहे हैं थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा पानी डाल के भूनने से अच्छे से मसाले भून जाते हैं और पक भी जाते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, और अब इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक हमारा मसाला तेल ना छोड़े तब तक। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन गया है और तेल छोड़ा है, कढ़ाई में बिल्कुल चिपक नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, और जब हमारी ग्रेवी बॉयल्ड आ जाएगी इसमें तभी मैं इसमें कोफ्तों को डालूँगी। पहले कोफ्तों को नहीं डालना चाहिए, बॉयल्ड होने के बाद ही कोफ्तों को इसमें डालना चाहिए, नहीं तो कोफ्ते जो है वो टूटने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मेरा जो ग्रेवी है इसमें बॉयल्ड आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी कोफ्तों को जो कि मैंने फ्राई करके रखा है। और मैंने गैस को सिम कर दिया है बिल्कुल धीमी आंच पे, और अब गैस को ऑफ कर दूंगी क्योंकि कोफ्ते डालने के बाद बॉयल्ड करेंगे तो कोफ्ते टूटने ही टूटने हैं। गुड इवनिंग, और अभी हो रही है शाम, और शाम के 6:20 टाइम हो रहा है। एक्चुअली आज मेरा किट्टी है, जो एक बड़ा वाला किट्टी रहता है वो नहीं है, ये छोटा वाला किट्टी है जिसमें हम लोग 5 या 6 मेंबर वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, तो वो वाला किट्टी है। तो मैंने पहना है ये ब्लू वाला कुर्ती क्योंकि ये बहुत कम्फर्टेबल है, तो मैं इसको पहन के जाऊँगी। और रेडी हो चुकी हूँ और निकल रही हूँ,
और आप देख सकते हैं फैन ऑफ करके मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो पूरे पसीने आ रहे हैं मेरे चेहरे पे। तो मैं निकलती हूँ फटाफट क्योंकि ऑलरेडी लेट हूँ। फ्रेंड्स का कॉल आया था कि वो लोग पहुँच चुके हैं, तो मैं भी निकल रही हूँ। रोहित गया हुआ है खेलने के लिए, रिया है घर पे, तो कोई आया है गेट पे। रोहित के कोई छोटे छोटे फ्रेंड आए हुए हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि अभी बहुत गर्मी हो रही है तो ये लोग पानी पीने के लिए आते हैं बीच बीच में गेम को खेलते खेलते। गुड आफ्टरनून, और आज है सैटरडे और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं बना रही हूँ अपना लंच। जैसे कि मैं सैटरडे को खिचड़ी वगैरह बनाती हूँ, तो आज भी खिचड़ी चढ़ाया है अभी अभी मैंने। तो मैं बना रही थी लंच, तो मैं थोड़ा सा देख रही थी कि मैंने जो कल का ब्लॉग बनाया है उसका एंड नहीं हुआ था, क्योंकि मैं किटी पार्टी से आने के बाद कुछ शूट नहीं कर पाई। मैं एक्चुअली भूल गई थी, क्योंकि फिर वहाँ से आने के बाद बच्चों के लिए शाम का नाश्ता वगैरह बनाने लगी, तो बस दिमाग से ये चीज़ उतर गया कि मैंने वीडियो एंड नहीं किया था। तो अभी देख रही थी तो मैंने सोचा कि नहीं, आज अपना वीडियो एंड कर देती हूँ। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं रोज़ की तरह अभी बना रही हूँ लंच। अभी टाइम हो रहा है 12:15 का, आज थोड़ा सा लंच बनाने में लेट हो गया है, तो 12:15 का टाइम हो रहा है। और मुझे आप लोगों से थोड़ी बात करनी थी कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जो कि बांग्लादेश से हैं, पाकिस्तान से हैं, तो आप लोगों का चल रहा है अभी रोज़ा। तो मुझे कहना था कि आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे पहले ही विश करना चाहिए था बट मैं नहीं कर पाई थी किसी कारण से, तो मैंने सोचा कि आज विश कर देती हूँ आप सबको, क्योंकि आप सब मेरे फ्रेंड हैं। इंडिया में भी बहुत सारे मेरे मुस्लिम फ्रेंड हैं, तो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो इस तरह से रहा मेरा आज का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।